हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। बारिश के मौसम में पकोड़े खाना सबको बेहद ही पसंद है। आज हम बनाएंगे नए तरीके से गर्मा गर्म पकोड़े। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को राउंड शेप में कट करना होगा। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को हमने राउंड शेप में कट करके रख लिया है। अब हम शिमला मिर्च लेंगे और एक बोतल के ढक्कन से इसके बीच में जो बीज हैं उन्हें हटा देंगे। एक एक करके हमने सभी शिमला मिर्च के बीजों को हटा दिया है। अब हम प्याज के भी बीच वाले पोर्शन को हटा के और रिंग्स निकाल लेंगे। टमाटर के बीजों को भी ढक्कन से कट करके हटा देंगे। एक प्लेट में प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को चॉप करके रख लेंगे। अब हम पकोड़े का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में 200 ग्राम बेसन डालेंगे, अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हींग पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और धनिया डालेंगे। बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और पकोड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें पकोड़े का बैटर थोड़ा गाढ़ा रखना है, ज्यादा ढीला नहीं करना है। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और प्याज के जो हमने रिंग्स बनाए थे वो एक एक करके पैन में रखते जाएंगे। हमने जो पकौड़े का बैटर बना के तैयार किया है उसे प्याज के बीच में डाल के अच्छे से फैला देंगे। सभी प्याज के रिंग्स को हमने बैटर से अच्छे से फिल कर दिया है। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पे सेकना है। जब ये सिक जाएं तो एक एक करके हम इन्हें पलटी कर देंगे। दोनों साइड से जब ये अच्छे से सिक जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस पे फिर से पैन रखेंगे। इसमें अब हम तेल नहीं डालेंगे और एक एक करके शिमला मिर्च के रिंग्स को रख देंगे और उसे भी बैटर से अच्छे से फिल कर देंगे। दोनों साइड से इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। शिमला मिर्च के रिंग्स भी दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। पैन को फिर से गैस पे रखेंगे। उसमें एक एक करके टमाटर के रिंग्स को रखेंगे, पकोड़े के बैटर को डाल के उसे फिल कर देंगे। अलट पलट करके इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। हमारे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के रिंग्स वाले पकोड़े बनके तैयार हैं। इन्हें ग्रीन चटनी और लाल चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। अब हम पालक के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए हम फ्रेश पालक लेंगे, एक बोल में 2 कप बेसन डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, हींग डालेंगे, धनिया डालेंगे, गरम मसाला और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकौड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे। पकौड़े के बैटर को थोड़ा पतला रखेंगे। अब हम पालक का एक पत्ता लेंगे, उसे इसमें अच्छे से डीप करेंगे और कढ़ाई में तल लेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इन्हें हम पलट देंगे।
जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे गर्मा गर्म पालक के पत्तों के पकोड़े बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इजी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।